गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकेंड यूनिट का आर्टिकल डिस्कस करेंगे और सेकेंड यूनिट है आपकी रिगार्डिंग द इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। तो इसमें बहुत सारी जो टर्म्स हैं आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बट फिर से हम उनको एक बार से गो थ्रू करेंगे सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाए चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो इसमें देखिए, कोई भी बॉडी है हमारे पास, हमने अभी रिजिड बॉडीज़ डिस्कस की फर्स्ट यूनिट के अंदर भी, और ए बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन when subjected to the external balanced force is called perfectly rigid body। हमारे पास कोई भी body है, हम अगर उसके ऊपर कोई भी एक balanced force, external balanced force अब हम उसके ऊपर apply करते हैं और उस body में कोई भी deformation ना हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो perfectly rigid body है। ठीक है, तो और जो जो भी आपकी if the external forces are removed then these internal molecular forces tends to regain the original size and shape of the body। और अगर हम जो आपकी body है, जो हमने external forces जो apply किए हुए हैं, अगर हम उनको remove करते हैं तो जो remove करने के बाद अगर जो इंटरनल मॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो टेंड्स टू रीगेन द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो वो क्या करे, अगर बॉडी दोबारा से उसी शेप में आने की कोशिश करती है देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन दैट इज ओरिजिनल शेप और साइज व्हेन द एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट आर रिमूव्ड then it is called elasticity, then it is called elasticity। तब हम उसको बोलेंगे कि ये आपकी क्या है elasticity, जो property है, हमने जितना भी आपका कोई भी change नहीं आया और उसने दोबारा से जैसे ही हमने उनको remove किया, जो आपके external forces थी, external deforming forces थी, deforming means जो उनकी shape को destroy करती हैं, if they are removed then this is known as elasticity। If the body is completely regain its original size and shape on removing the deforming forces, अगर मान लीजिए अगर body जो है आपका दोबारा से completely regain करता है size को और shape को जब हम remove कर देते हैं आपके external forces, then this is called perfectly elastic body। तो उसको क्या बोलेंगे, perfectly elastic body है। और अगर हम और दूसरी बात करें कि अगर मान लो इफ़ ए बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अगर मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलेंगे कि जब हमने कम्प्लीटली रिमूव किया, इफ़ द बॉडी completely regain its size और shape को completely regain कर ले तब तो क्या है, completely elastic है। On the other hand जब वो completely regain ना करे size और shape को then it is called perfectly plastic body। Clear? The property of the body to retain its deformed condition even after removal of the deforming forces is called plasticity। जो आप इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिटेन इट्स डीफॉर्म्ड कंडीशन, कि डीफॉर्मेशन आई और बॉडी एज इट इज रह गई है ना, ऑन रिमूवल ऑफ द फोर्सेज देन द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। नाउ सो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी आपको क्लियर हो गया है। अब आपका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक, जो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिसिटी।
इन जनरल आप क्या कह सकते हैं कि नो बॉडी इज़ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक. कोई भी जो बॉडीज़ हैं आपकी, ना तो वो कम्प्लीटली इलास्टिक है ना कम्प्लीटली प्लास्टिक हैं. क्वार्ट्ज जो है दैट इज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरफ अप्रोच करता है जो आपका क्वार्ट्ज है. वेयर एज पुटी एंड द प्लास्टिसिन्स आर द नियरेस्ट अप्रोच टू द परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़. वो क्या है कम्प्लीटली जो आपका पुटी है या वो आपके प्लास्टिसिटी की तरफ बिहेवियर शो करते हैं. नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ स्ट्रेन. वट इज़ स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, वैन ए फोर्स और ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी प्रोड्यूसेज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी और यू कैन से दैट अ चेंज इन साइज. जो साइज में चेंज आ जाए जब कोई भी फोर्स या अ नंबर ऑफ फोर्सेस या सिस्टम ऑफ फोर्सेस बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाएं और दे प्रोड्यूस ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी देन ए चेंज इन द साइज. और साइज में जो चेंज है दैट कैन बी इन द लेंथ, दैट कैन बी इन द वॉल्यूम और इन द शेप और इन द बोथ volume and the length takes place then the body is said to be strained. तो हम बोलते हैं कि जो body है वो क्या हो गई है, strained हो गई है. ठीक है, जो आपके जो relative displacements था particle का वो change हो गया है, size change हो गया है या length में change आ गया है या volume में change आ गया है, तब हम उसको बोलते हैं कि body is strained. The strain produced in the body is the measured as ratio of चेंज इन द कॉन्फिग्रेशन टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन. और इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं एज ए रेशो ऑफ चेंज इन द कॉन्फिग्रेशन कि कितना चेंज आया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस वो अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन इज नथिंग बट द स्ट्रेन. स्ट्रेन यू कैन से दैट इट इज़ अ प्योर नंबर, यू कैन से दैट. और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई भी यूनिट नहीं है इसका. ठीक है, और सिर्फ इसके क्या होंगे, यूनिट्स नहीं होंगे. अब देखिए जो आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. स्ट्रेन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकेंड वन इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड द थर्ड वन इज़ शियरिंग स्ट्रेन. स्ट्रेन मैंने बताया कि रेशो ऑफ चेंज ऑफ कॉन्फिग्रेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन. अब देखिए हमने कोई भी एक सॉलिड वायर ली है, वायर या रॉड ली है जो इस डायग्राम में हमें नज़र आ रही है, जिसकी लेंथ क्या है, एल इज़ द लेंथ. ठीक है, हमने कोई वेट सस्पेंड किया, मीन्स हमने कोई फोर्स नीचे की तरफ लगाई, डब्ल्यू वेट है, और उसने क्या किया नीचे की तरफ फोर्स लगाई, तो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड दैट बिकम्स इलोंगेटेड बाय द फैक्टर स्मॉल एल. लेंथ क्या हो गई आफ्टर इलोंगेशन, एल प्लस स्मॉल एल रह गई. ठीक है, हमने कोई भी एक वायर कंसिडर की है लेंथ एल की, और जो वर्टिकली सस्पेंडेड है फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड एंड डब्ल्यू इज़ द लोड विच इज़ फिक्स्ड एट इट्स लोअर एंड, जो कि अभी हमने दिखाया हुआ है. एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज़ इंक्रीज्ड बाय स्मॉल एल फैक्टर. लेंथ का जो फैक्टर जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, स्मॉल एल से है. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, ये होगा. तो ये हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएगा, हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर हमने अप्लाई किया एक्टिंग नॉर्मली एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस. ये देखिए नॉर्मली एक्ट कर रहा है हर एक पॉइंट पे,
हर एक पॉइंट पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है एंड देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज इन शेप. शेप में कोई चेंज नहीं आया है बट वॉल्यूम आपका चेंज होगा. इन दिस केस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वॉल्यूम विच इज़ स्मॉल वी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम विच इज़ कैपिटल वी. ठीक है, ऑलरेडी सबसे पहले जो वॉल्यूम था जब तक आपने कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया था जब तक वो क्या था आपका कैपिटल वी था वॉल्यूम, और अब क्या है स्मॉल वी से वो चेंज हो गया है. तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी. स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी के बराबर होगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज शियरिंग स्ट्रेन. शियरिंग स्ट्रेन और इसको सिर्फ शियर भी बोलते हैं. When the strain produced in the body is such that there is only change in the shape but no change in the volume. सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज हो और सिर्फ वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो then it is said to be shearing strain. तब उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे shearing strain. The shearing strain is measured as ratio of the relative displacement of one plane of the body टू इट्स नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेन. फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेन और शेयरिंग स्ट्रेन में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द चेंज इन द इंक्लिनेशन. चेंज इन द इंक्लिनेशन ऑफ द कॉर्डिनेट एक्सिस ऑफ द सिस्टम ऑफ द और द बॉडी. तो देखिए अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन को. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमने कोई भी रेक्टेंगुलर सॉलिड बार कंसिडर किया है. रेक्टेंगुलर सॉलिड बार कंसिडर किया है जिसका जो लोअर फेस है दैट इज़ HGCD. HGCD इज़ द लोअर फेस एंड द अपर फेस इज़ AEFB. ठीक है, और इसमें क्या क्या है कि एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया हुआ है अपर फोर्स पे. टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस अपर फेस. यहाँ अपर फेस के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया है और जिसकी वजह से एक द कपल फॉर्म्ड बाय दिस फोर्स एंड एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कमिंग इनटू द प्ले ऑन द लोअर फिक्स्ड फेस and parallel to the यहाँ पे हमने ये फोर्स लगाया और उसकी वजह से ये जो ऊपर वाला जो आपका फेस है दैट गेट्स डिस्प्लेस्ड थ्रू द स्मॉल लेंथ L. ये आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने अपर जो आपका पोर्शन है अपर जो फेस है AEFB पे हमने लगाया है. सिर्फ एक प्लेन के ऊपर ये फोर्स हमने लगाया टेंजेंशियल फोर्स और उसकी वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ये स्मॉल एल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया है. ठीक है, स्मॉल एल डिस्प्लेसमेंट आया और ये एंगुलर अगर हम एंगुलर फॉर्म में देखना चाहें तो जो नीचे वाला आपका प्लेन है और जो ऊपर वाला प्लेन है दोनों के बीच में थीटा डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं. थीटा डिस्प्लेसमेंट आई है. दिस एंगल थीटा विच इज़ मेजर्ड इन द रेडियन थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस हैज़ टर्न्ड. ठीक है, दैट गिव्स द शेयरिंग स्ट्रेन. और थीटा बहुत स्मॉल होगा. थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हम लिख सकते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल जो है आपका होगा. तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वो आपका क्या रहेगा दैट विल बी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू प्लेन्स ऑफ द बॉडी अपॉन नॉर्मल सेपरेशन ऑफ द टू प्लेन्स. ये दोनों जो प्लेन्स थे वो कैपिटल एल से अपार्ट थे और ये जो हमारे पास चेंज आया है दैट इज स्मॉल एल इज़ द चेंज. तो शीयर जो होगा आपका दैट विल बी स्मॉल एल अपॉन एल. नेक्स्ट जो टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्ट्रेस. That will be stress. Stress अपने आप में बहुत important term है. When a body is strained, the molecule of the body suffers relative displacement. जब कोई भी हम
बॉडी जो है वो स्ट्रेंड होती है, तो जो उनके जो आपस के जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो दैट सफर्स अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. दिस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिव राइज टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन, है ना. तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज मेजर्ड एज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ द स्ट्रेंड बॉडी विच टेंड्स टू ब्रिंग बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. और यू कैन से दैट अगर हम आप इसको वैसे एक्सप्लेन करना चाहें तो दैट कैन बी, अगर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया है ऑन द सरफेस, तो जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया. और जो इसके यूनिट्स होंगे दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट विल बी m1l-1t-2, प्रेशर के इक्वल होंगे. और जो आप देखिए स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपका दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस है और टेंजेंशियल स्ट्रेस है. नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर जो आपका इलास्टिक जो फोर्सेस हैं जो डेवलप हुई हैं, दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन. जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है, मान लो ये आपका बॉडी है तो इस पे आपके नॉर्मल अप्लाई होगा. जो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर वो जो फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, वो हम नॉर्मल अप्लाई करेंगे. तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है इज डेवलप्ड व्हेन एवर देयर इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सिर्फ वहीं पे होगा जहाँ पे आपके जो वॉल्यूमेट्रिक और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा. नॉर्मल स्ट्रेस इज़ रेफर्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस. इसको आप टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस को, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस. एंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस व्हेन देर इज ए डिक्रीज इन द लेंथ. जब आपकी लेंथ इंक्रीज होती है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, जब आपकी लेंथ डिक्रीज होती है तो हम उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस. बट होंगे दोनों ही, दोनों आपके क्या हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. नेक्स्ट अब बात आ गई हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस की. टेंजेंशियल स्ट्रेस में जो इलास्टिक फोर्सेज हैं वो पैरेलल में लगाई जाएंगी, सरफेस एरिया जो भी होगा सरफेस एरिया के पैरेलल में लगेगी, सरफेस एरिया के इधर ऐसे पैरेलल में लगेगी एंड ना कि वो आपके परपेंडिकुलर लगेगी. तो जो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं. शियरिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड व्हेन एवर देयर इज ए शियरिंग स्ट्रेन. शियरिंग स्ट्रेन होगा जहाँ पे, वहीं पे आपका शियरिंग स्ट्रेस होगा क्योंकि ये आपका पैरेलल में लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज हुक्स लॉ. रॉबर्ट हुक ने हुक्स लॉ डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने काफ़ी काम किया इसके ऊपर. और ही गेव द फंडामेंटल लॉज ऑफ इलास्टिसिटी इन 1678 में, एंड दिस इज़ नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है. और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जो एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होती है इन द वायर एंड That gives a fundamental law of elasticity. और ये उन्होंने दिया था 1678 में और इसको नाम दिया गया हुक्स लॉ का. What does this law states? क्या कहता है अब ये जो law देखते हैं. This law states that extension is directly proportional to the applied load. कि जितना आप load apply करेंगे उतना ज़्यादा आपका extension होगा, ठीक है. और मॉडर्न फॉर्म में आप ये भी कह सकते हैं हुक्स लॉ को कैसे स्टेट किया गया, दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. अब अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेन को आप इधर ले आएँ तो जो ये प्रोपोर्शनल एक कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा और उसको हम बोलते हैं ई से डिनोट किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. This is constant. This constant E is known as modulus of elasticity of the body. और जो हुक्स लॉ है that is true only up to its elastic limit. Elastic limit तक ही ये आपका valid है. अब देखिए modulus of elasticity जो है आपका
वो कितने टाइप का है। हम देख सकते हैं मॉडल ऑफ जो ऑफ विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हमने देखा एज स्ट्रेन इज ऑफ थ्री टाइप्स, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेन तीन टाइप का है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी आपका क्या होगा, थ्री टाइप का होगा। फर्स्ट है आपका यंग्स मॉडुलस है, फिर बल्क मॉडुलस है, और नेक्स्ट इज शीयर मॉडुलस, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। यंग्स मॉडुलस का क्या है, फॉर द सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ ए वायर और थिन रॉड, हमने पहले भी देखा है ये, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि क्या है एफ अपॉन ए इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था हमारा स्मॉल एल अपॉन एल के इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द यंग्स मॉडुलस, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ कैपिटल एल अपॉन ए इंटू एल, ए इंटू जो एल है दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया ना, और कॉमनली जो हमारा एरिया है एरिया को पाई आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एरिया इंटू में लेंथ जो है आपका दैट विल बी द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, यंग्स मॉडुलस है। अब नेक्स्ट है आपका बल्क मॉडुलस, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, विद इन द, ये भी आपका विद इन द इलास्टिक लिमिट्स ही होगा, रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें पता है जो आपका स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस को अगर हम पी से डिनोट कर रहे हैं तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो आपका बल्क मॉडुलस है ना, दैट इज़ द ओनली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ फॉर द लिक्विड्स एंड द गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बल्क मॉडुलस है दैट इज़ ओनली फॉर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ फॉर द लिक्विड्स एंड द गैसेस। ठीक है, और जो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस विच इज़ नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम 1/k से डिनोट करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है ऑफ द बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका शीयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शीयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ द शीयरिंग स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और ये हम पहले शीयरिंग स्ट्रेन क्या थीटा के इक्वल है हमने देखा था पहले, और शीयरिंग स्ट्रेस क्या है एफ अपॉन ए फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गए, ईटा आ गया विच इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और एज स्ट्रेन इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो जो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इनके जो यूनिट्स हैं दे विल बी सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस, जितने स्ट्रेस के आपके यूनिट्स हैं वही यूनिट्स होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वही आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द वायर अंडर द इंक्रीजिंग लोड, या इसको हम बोलते हैं लोड एक्सटेंशन कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, लोड एक्सटेंशन कर्व भी बोलते हैं। तो हमने एक होमोजीनियस वायर लिया है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, एंड दैट इज़ सब्जेक्टेड टू द इंक्रीजिंग लोड। ठीक है, लोड आपका इस तरफ हमने प्लॉट किया हुआ है, स्ट्रेन हमने इस तरफ प्लॉट किया हुआ है, तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी बोलते हैं। दिस ग्राफ इज़ ए स्ट्रेट लाइन अप टू द पॉइंट ई, ये जो पॉइंट है ई, यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट इट मीन्स स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड द हुक्स ला इज ऑबेड कम्प्लीटली, हुक्स ला इज ऑबेड कम्प्लीटली, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
द टेंसाइल स्ट्रेस एट द पॉइंट ई इज़ द इलास्टिक लिमिट. इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट है ये. द टेंसाइल स्ट्रेस, द टेंसाइल स्ट्रेस एट द पॉइंट ई इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट एंड इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस अप टू विच सब्सटेंस बिहेव्स एज 100% इलास्टिक. ये जो पॉइंट ई है, यहाँ तक आपका जो मटेरियल है, जो वायर है आपका, 100% इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा. विद इन द इलास्टिक लिमिट्स है और हुक्स ला जो है कम्प्लीटली ओबे हो रहा है. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द वायर. इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं वायर का. ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद. एज द इलास्टिक लिमिट इज एक्सीडेड, जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे, स्ट्रेन प्रोड्यूसेस, स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन द स्ट्रेस एंड द कर्व ई वाई इज नॉट स्ट्रेट. जो आपका जो कर्व ई वाई है, ये आप देख सकते हैं, ई वाई जो कर्व है दैट इज नॉट स्ट्रेट नाउ. और इफ ए वायर इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अप टू द पॉइंट ए एंड देन द लोड इज़ विड्रॉन. अगर मान लो आपने अप टू द पॉइंट ए तक लोड आपने इम्प्लीमेंट किया और तब उसको लोड का क्या किया, विड्रॉ कर लिया, तो हम देखते हैं कि एक जो है ना पार्शल रिकवरी ऑफ स्ट्रेन, पार्शल रिकवरी ऑफ स्ट्रेन एंड ए परमानेंट स्ट्रेन ओ पी इज स्टिल परसिस्ट. आपने इलास्टिक लिमिट के बाद स्ट्रेस और ज़्यादा अप्लाई किया और हमने देखा कि वो जो फिर उसके बाद क्या एक परमानेंट या रेजिडुअल स्ट्रेन रह जाता है मटेरियल के अंदर, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेट एक्वायर्ड बाय द वायर. ये जो ओपी है, दिस इज़ द परमानेंट सेट एक्वायर्ड बाय द वायर. एंड इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट देन एट ए पॉइंट वाई, इस पॉइंट पे, एट ए पॉइंट वाई वी ऑब्टेन लार्ज स्ट्रेन विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द स्ट्रेस एंड दिस पॉइंट वाई इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. वाई को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट. एंड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट द मेटल वायर सीम्स टू फ्लो लाइक एन एक्सट्रीमली विस्कस फ्लूड. उसके बाद वाई पॉइंट के बाद, वाई के बाद ये जो बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पे जो मटेरियल है दैट एक्सट्रीमली बिहेव एज ए विस्कस फ्लूड एंड बिहेव्स एज प्लास्टिक. देन द कर्व वाई सी, जो वाई सी जो है, वाई सी दैट रिप्रेजेंट्स, दिस वाई सी रिप्रेजेंट्स ए रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी. क्लियर, रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी की तरफ बिहेव करेगा. एंड एट सी द कर्व अगेन बिगेंस टू बैंड टूवर्ड्स अपवर्ड्स एंड सम लोकल नेक्स एंड वेस्ट आर फॉर्म्ड. ऊपर नीचे थोड़ा ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सी के बाद डी बना फिर बी बना, इनको इसने बोला हुआ है लोकल नेक एंड वेस्ट आर फॉर्म्ड. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर अंडरगोज थिनिंग अप टू द पॉइंट बी. ये जो लास्ट में है, ये लास्ट में क्या है हमारे पास, बी पॉइंट हमें मिला है. और जो बी पॉइंट तक जो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो वायर हमने लिया था, दैट इज़ बीइंग थिनिंग एंड थिनिंग. ठीक है ना, पतला होता जा रहा है वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट जो वॉल्यूम है वो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा इस केस में, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगा. एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट बी आएगा जहाँ पे वायर जो है दैट विल ब्रेक अप इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा वायर का. द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्लास्टिसिटी रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट डी इन द फिगर. जो जो मैक्सिमम स्ट्रेस का जो पॉइंट आया है हमारे पास, दैट इज़ द पॉइंट डी. ये वाला डी पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेस का है. इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं ऑफ द मटेरियल. तो जो इस टाइप का जो मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है शो करते हैं मटेरियल्स, उनको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स. इनको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स. और जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं देयर फॉर्म, देयर फोर दे आर परमानेंटली डिस्टॉर्टेड बिफोर ब्रेकिंग. ब्रेक होने से पहले वो अपने आप, वो क्या है, परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल. आपको पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल होते हैं नेचर में. एंड ड्यू टू दिस वेरी प्रॉपर्टी मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स.
तो उनको हम फाइन वायर्स की फॉर्म में हमें मिल पाते हैं मेटल्स जो हैं, एंड फॉर डक्टाइल सब्सटेंसेस द ब्रेकिंग पॉइंट फार एक्सीड्स द यील्ड पॉइंट। तो क्योंकि सब्सटेंसेस क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स हैं, तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, दैट इज़ फार अवे द यील्ड पॉइंट। ये जो है, ये जो गैप आता है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, ये आपका क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखिए, हाउ एवर फॉर द सर्टन सब्सटेंसेज लाइक आयरन, ग्लास, स्टील, यील्ड पॉइंट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट्स आर वेरी क्लोज। कुछ मटेरियल्स हैं जैसे आपके कास्ट आयरन हैं और जो स्टील है, उनके जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी क्लोज, एंड सच मटेरियल्स आर नोन एज ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जो एकदम से टूट जाते हैं, ठीक है, दे कांट बी ड्रॉन इन टू वायर्स। तो ये था आपका बिहेवियर, किस तरीके से बिहेव करता है। अब क्या है, कुछ आपकी ट्रेड्स हैं जो एग्जिबिट करते हैं, इलास्टिक बिहेवियर्स जो सॉलिड्स एग्जिबिट करते हैं, उसमें क्या है, एक पॉइंट आपका आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट वेरी फ्यू सॉलिड्स रीगेन देयर ओरिजिनल कंडीशंस इमीडिएटली आफ्टर डीफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। जैसे ही आपने डीफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव किया, कुछ सॉलिड्स क्या करते हैं, इमीडिएटली क्या करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ही वो आपके डीफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव करते हैं। एंड मोस्ट सॉलिड्स टेक क्वाइट सम टाइम टू डू सो। कुछ केसेस में, जो सॉलिड्स के केसेस में, कुछ में क्या है कि वो कुछ टाइम लेते हैं, एंड सो ड्यूरिंग विच दे क्रीप बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन। तो जो ये जो डिले होता है वापस आने में, शेप दोबारा से वही शेप लेने में, तो जो डिले है इन द रिकवरिंग बैक टू द ओरिजिनल कंडीशंस ऑन रिमूवल ऑफ द डीफॉर्मिंग फोर्सेस इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, दिस डिले इन रिमूविंग बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन ऑन द रिमूवल ऑफ द डीफॉर्मिंग फोर्सेस इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। कुछ क्या है, मटेरियल्स इलास्टिक फटीक शो करते हैं, इलास्टिक फटीक। लॉर्ड केल्विन ने इन्वेस्टिगेट किया कि बार बार से आप फोर्सेस लगाएंगे, बार बार से रिमूव करेंगे, बार बार से फिर से फोर्स लगाएंगे, फिर से रिमूव करेंगे, तो जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर एक क्या आ जाती है, फटीकनेस आ जाती है, द मटेरियल गेट्स फटीक एट दिस लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। वो परमानेंटली क्या करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं by the solids when subjected to alternate strains. Alternate strains is called elastic fatigue. बार बार से आप एक ही प्रोसेस को बार बार से अप्लाई करेंगे, तो जो परमानेंट क्या है आपका, फटीकनेस आ जाएगी मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस आपने मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, हिस्टेरेसिस लूप। उसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड्स के केस में भी एक आपका इलास्टिक हिस्टेरेसिस है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो आपका इलास्टिक जो बॉडी है, उसमें जो आपका स्ट्रेन है, दैट लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस टू विच इट इज़ सब्जेक्टेड। इसमें क्या होता है, देखिए, एज ए रिज़ल्ट ड्यूरिंग ए रैपिड चेंजिंग ऑफ द स्ट्रेस, बार बार से आप स्ट्रेस को चेंज कर रहे हैं, द स्ट्रेन इज़ ग्रेटर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। अब मान लो कोई भी आपकी एक वैल्यू है, कोई भी एक आपका वैल्यू है, तो उसके लिए आपकी ये आपकी क्या आ रही हैं, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना, तो द स्ट्रेन इज़ ग्रेटर फॉर द सेम वैल्यू एंड व्हेन इट इज़ डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं आप इलास्टिक हिस्टेरेसिस। दिस लैग्स बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स।
और बहुत छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, वो आप इजीली अब इसमें से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।